थोड़े से जिज्ञासु जानते हैं कि साधन प्राप्त वस्तु दूसरी होती है और स्वतः सिद्ध वस्तु दूसरी होती है। तो वेदांत के ग्रंथों में प्रारंभ में ही ये प्रश्न उठाया जाता है कि यदि कोई भी वस्तु साधन से साध्य होगी तो पहले नहीं होगी, साधना से उत्पन्न होगी, और साधना से यदि उत्पन्न होगी तो उसकी मृत्यु भी अवश्य हो जाएगी। इसलिए साधन साध्य वस्तु के अनुभव के लिए जब तक प्रयास है तब तक वेदांत का प्रारंभ नहीं हुआ। चातु स्वतः सिद्ध वस्तु का, सत्य वस्तु का, परमार्थ वस्तु का, असली वस्तु का स्वरूप क्या है, इसका जिज्ञासु होता है। को हम, कथमिदम जातम, कोस्य कर्ता च विद्यते, मैं कौन हूं, यह क्या है और यह का बनाने वाला कौन है। जब ये जिज्ञासा जीवन में उदय होती है और ऐसी जिज्ञासा जो किसी प्रकार भी दबाए न दबाए यदि राम राम कहने से आपकी जिज्ञासा दब जाती हो कि भाई अब हम राम राम कहते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, वेदांत के चक्कर में कौन पड़े। तो यदि राम राम कहने से आपकी जिज्ञासा दब जाती हो या प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करने लगे, मन शांत हो गया और मन की शांति से ही यदि आपकी जिज्ञासा दब जाती है, अथवा इष्टदेव का ध्यान करने लगे और थोड़ी सी तन्मयता प्राप्त हुई और इष्टदेव की तन्मयता से ही आपकी जिज्ञासा दब जाती है, तो वेदांतियों का कहना है कि अभी वेदांत का प्रारंभ नहीं हुआ। ज्ञान की प्यास अगर किसी एकांगी दृश्य स्थिति को प्राप्त करके यदि बुझ जाती है तो ये मानना पड़ेगा कि अभी ज्ञान की प्यास ही जागृत नहीं हुई। तब वेदांत के आचार्यों ने दूसरा प्रश्न उठाया कि जो साधन साध्य है वो तो अनित्य है, नश्वर है, और जो ब्रह्म है, सत्य है, परमार्थ है, वो साधन साध्य है नहीं। तो फिर साधन करने की क्या आवश्यकता है, व्यर्थ हुआ साधन को। तो बोले कि नहीं, साधन व्यर्थ नहीं है, अपने अंतःकरण में जो प्रतिबंधक हैं उनको दूर करने के लिए साधन की आवश्यकता है। साधन ब्रह्म को पैदा करने के लिए नहीं होते, आत्मा को पैदा करने के लिए नहीं होते, और साधन अज्ञान को भी निवृत्त नहीं कर सकते। परंतु अज्ञान को निवृत्त करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है
उस ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंधकों को निवृत्त करते हैं साधन। इसलिए हम सब साधनों की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। तो धर्म का अनुष्ठान करने से पाप वासना निवृत्त होती है। यदि आपके मन में 50% पाप वासना हो और 50% पुण्य वासना हो तो धर्म वासना से पाप वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। 50% वासनाएं शांत हो जाएंगी। और यदि आप उपासना का अभ्यास करें तो चाहे बुद्धम शरणम गच्छामि करें, बुद्धम शरणम गच्छामि, और चाहे अर्हते नमः करें, ओम नमो भगवते अर्हत बोले, उपासना से एक वस्तु की प्रधानता होगी हृदय में और 99 वस्तुएं जो हैं वो छूट जाएंगे। तो चाहे नमो भगवते वासुदेवाय करें, चाहे नमो नारायणाय करें, चाहे बुद्धम शरणं गच्छामि करें, और चाहे और कुछ करें, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह करें, तो वासनाएं जो हैं एक आकार जब होगी, भगवद आकार जब मनोवृत्ति होगी, तो 99% वृत्तियां जो हैं वो चली जाएंगी और केवल एक वृत्ति रह जाएगी। तो पाप वासना को मिटाने के लिए धर्मानुष्ठान उपयोगी है और 99% विक्षेप को मिटाने के लिए उपासना उपयोगी है। अभ्यास का जो निरोध है वो 100% वृत्तियों को शांत करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहां वृत्ति का निरोध हो जाता है। केवल अज्ञान ही शेष रहता है, केवल आवरण ही शेष रहता है। बिना आंख के हम रूमाल के रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसी प्रकार तत्व ज्ञान के बिना हम तत्व का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो अंततो गत्वा तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब एक बीच में और भी प्रसंग है। योगियों के कई ऐसे भेद हैं जो आचार को नहीं मानते हैं, विचार को मानते हैं। तो आचार तो कहते हैं कि जैसा तुम्हारा हो गए वैसा तुम करो, परंतु विचार हमारा। तो कल जो मैं आपको सुना रहा था, योग से जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें ये खामी है कि आवरण भंग नहीं होता और वृत्ति निरोध हो जाता है। उपासना से जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें थोड़ा विक्षेप भी रहता है, थोड़ी तन्मयता भी रहती है। और अहंग्रह उपासना में भी वृत्ति को बारंबार दोहराने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उस प्रयत्न में अहम कर्ता ये शेष रहता है, अहंकार का कर्तृत्व निवृत्त नहीं होता। योग की समाधि में कर्तृत्व की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु कर्तृत्व की भ्रांति निवृत्त नहीं होती। कर्तृत्व का शांत होना दूसरी चीज है और उसकी भ्रांति का निवृत्त होना दूसरी चीज है। देखो, सुषुप्ति काल में कर्तृत्व शांत हो जाता है
लेकिन उठने के बाद दूसरे दिन फिर कर्तृत्व की भ्रांति चलती है। इसी प्रकार योगाभ्यास से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसमें निरोध काल में अथवा समाधि काल में कर्तृत्व की शांति तो हो जाती है परंतु भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती। जब योग से जब समाधि से उठेंगे तब कर्तृत्व अपना फिर काम करेगा। इसके तीन पक्ष हैं, एक जैन का, एक कापिल सांख्य का और एक पातंजल योग का। ये तीनों क्या करते हैं, जैसे कल श्री बच्चू भाई जी ने आचार्य रजनीश का नाम लिया था, मैंने कभी उनका कोई भाषण सुना नहीं है इसलिए उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में या व्यक्तिगत विचार के बारे में हमें कुछ भी कहना नहीं है। और हम लोग व्यक्ति का विचार करते नहीं, सिद्धांत का विचार करते हैं। हम पतंजलि का विचार नहीं करते, उन्होंने सिद्धांत में किस वस्तु का स्पर्श किया है इसका विचार करते हैं। विचार विचार से भिड़ंत होती है, व्यक्ति और व्यक्ति से भिड़ंत नहीं होती है। तो हमारा ऐसा विचार है कि जैन सिद्धांत में आत्मा के स्वरूप का जैसा विचार और जैसा निरूपण है उसको आचार्य रजनीश बिल्कुल ठीक ठीक बोलते हैं, परंतु जैन संप्रदाय में जैसा आचार वर्तमान काल में है उसको वे नहीं मानते हैं। तो उनको जो जैन लोग क्रांतिकारी मानते हैं या जो दूसरे आचार्यों से पृथक मानते हैं उसका कारण ये नहीं है कि उनका विचार जैन विचार से पृथक है, इसका कारण ये है कि उनका जो आचार संबंधी जो उनकी मान्यता है, उनका सिद्धांत है, वो जैन संप्रदाय से पृथक है। उसमें वो क्रांति कर रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर का प्रयोग करना कि नहीं करना, बाल को हाथ से उखाड़ना कि नहीं उखाड़ना, रात्रि में पानी पीना कि नहीं पीना, इन सब बातों में उनका जैन संप्रदाय से मतभेद हो सकता है, परंतु जहां तक जीवात्मा की स्वतंत्रता का संबंध है वहां उनका मतभेद जैन संप्रदाय से बिल्कुल नहीं है। वे जैसे हमारे सांख्य हमारे योग आत्मा को बिल्कुल विश्राम की दशा में ले जाते हैं, तो सांख्य और योग में ये भेद है कि योग तो निरोध काल में दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान मानता है और वृत्ति के उत्थान काल में वृत्ति का सारूप्य मानता है, परंतु सांख्य जो है वो वृत्ति के शांति काल में भी दृष्टा अपने स्वरूप में ही रहता है और वृत्ति के उत्थान काल में भी दृष्टा अपने स्वरूप में ही रहता है। केवल अविवेक निबंधन, ये जो बंधन है वो अविवेक निबंधन है। अविवेक निबंधन है माने दृष्टा और दृश्य का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बंधन है। तो असल में वेदांती लोग जिसको अध्यास बोलते हैं, सांख्य दर्शन में उसी को अविवेक बोला जाता है, और वेदांती लोग जिसको अध्यास बोलते हैं योग दर्शन में उसी को अविद्या बोला जाता है। लेकिन वेदांतियों ने अध्यास के कारण के रूप में भी एक अज्ञान नाम का पदार्थ जो स्वीकार किया है,
उस अज्ञान की निवृत्ति न सांख्य सिद्धांत से होती है और न तो योग सिद्धांत से होती है। तात्कालिक सावधानी की दशा में अध्यास की निवृत्ति माने अविवेक की निवृत्ति हो गई। अब प्रश्न ये हुआ कि पहले पहल पुरुष और प्रकृति का अविवेक कैसे हुआ, क्योंकि अविवेक तो वृत्ति है और वृत्ति जन्य होती है तो वो उदय होनी चाहिए। अच्छा, और कभी पहले पहल अविद्या कैसे हुई, बोले ये प्रश्न तो वेदांतियों पर भी है। कब वेदांतियों पर ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो जो अज्ञान को अनादि और भाव रूप मानते हैं, अज्ञान का स्वरूप, उसको अज्ञान को वृत्ति रूप नहीं मानते हैं। अभ्यास भ्रांति वृत्ति रूप है और अज्ञान वृत्ति रूप नहीं है, वृत्ति का कारण है। आप इसको ऐसे समझो कि अपने को न जानना अज्ञान है और अपने को मनुष्य जानना भ्रांति है। जहां वृत्ति में एक मैं और चढ़ बैठा, अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान है और अपने को जीव जानना ये भ्रांति है। तो ये जो भ्रांति है ये अज्ञान के कारण से होती है। तो योग दर्शन में जो अविद्या मानी हुई है वो वृत्ति रूप है, भ्रांति रूप है, और सांख्य दर्शन में जो अविवेक माना हुआ है कब वो अविवेक वृत्ति रूप है माने भ्रांति रूप है। परंतु वेदांत में जो अनिर्वचनीय अज्ञान स्वीकार किया हुआ है वो अनिर्वचनीय अज्ञान जो है वो भ्रांति का भी कारण है, अविवेक का भी कारण है, अभ्यास का भी कारण है। इसलिए वेदांत के मत में उस अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब देखो जो मूल प्रश्न है उसको पकड़ते हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि हमारी चित्तवृत्ति निर्विषय हो गई, हम शांत हो गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए, शांत हो गए अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये स्थिति तो हमको प्राप्त हो गई। और अभी आप कहते हैं कि वेदांत के सिद्धांत में जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हुआ नहीं, तो अब आगे क्या करना चाहिए। प्रश्न का मूल रूप ये है, बोला। अच्छा, इसको हम थोड़ा और फैला देते हैं, बोला। एक पदार्थ का विवेक और तीन पदार्थ का अलग अलग विवेक और तीनों पदार्थों का एकीकरण, इसका नाम वेदांत नहीं है। फिर बनाते हैं, एक पदार्थ का अलग विवेक, जैसे किसी ने ईश्वर का विवेक किया, ईश्वर क्या है, कहिए हमारे कर्म के अनुसार सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति, इसमें तो कर्म की अपेक्षा है, और हमारी वासना के अनुसार शरीर का निर्माण, इसमें भी हमारे कर्तापन की अपेक्षा है। लेकिन ये जो मिट्टी पानी आग हवा है इसका निर्माण कैसे होता है, एक इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो कोई कहते हैं ईश्वर बनाता है और कोई कहते हैं कि ईश्वर बन जाता है, लेकिन बनने के पहले ईश्वर जैसा था और बनाने के पहले जैसा ईश्वर था, उस ईश्वर के स्वरूप का विवेक करके अंकुर से बीज का अनुमान करके, अंकुर प्रत्यक्ष होता है, बीज का अनुमान होता है, धूम का प्रत्यक्ष होता है और अग्नि का अनुमान होता है, तो उस अनुमित पदार्थ को एक मानते हैं प्रकृति और दूसरे मानते हैं ईश्वर। तो यदि उस ईश्वर को ठीक ठीक निश्चय करके हम अपनी वृत्ति को ईश्वराकार कर दें और ईश्वर में तन्मय हो जाए,
तो ठीक है, ईश्वर पदार्थ के साथ तादात्म्य प्राप्त करके आप ईश्वर रूप तो हो गए, लेकिन आपका जो मैं है वो ईश्वर में पूरी तरह से नहीं मिल सकता। ये सब वैष्णवों को ये बात स्वीकार है, सब वैष्णवों को, सब शैवों को, शाक्तों को, गणपतियों को ये बात स्वीकार है कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते करते ईश्वरमय हो जाएंगे, उस समय भी भेद सहिष्णु अभेद बना रहेगा, सायुज्य में भी जीव का जीवत्व जो है वो बना रहता है। यदि हम अपने को ईश्वर में मिला दें, अपने को ईश्वर में मिला दें, है ना, और अकेला ईश्वर रहे, तो उस ईश्वर में भी जीव की स्थिति पृथक रूप से रहेगी, अद्वैत का बोध नहीं होगा। अच्छा, सारे प्रपंच को भी ईश्वर में मिला दें और अपने को भी ईश्वर में मिला दें, तीन पदार्थ मिलकर के एक हो जाएं, तब भी जो एकत्व होगा वो वेदांत का सत्य, वेदांत का सत्य नहीं है। अच्छा, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और जैन दर्शन के अनुसार थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैन दर्शन में इस स्थिति को बहुत कठिन माना गया है। अब तक आप जानते हैं केवल 24 तीर्थंकर ही इस प्रकृति और प्राकृत, इस पुद्गल से, इस आश्रव से केवल 24 तीर्थंकर ही मुक्त होने में समर्थ हुए हैं। उसमें भी स्त्री जोनी में मुक्ति नहीं है, कलयुग में मुक्ति नहीं है, ये सब ये आचार विषय है, हो ये विचार नहीं है, ये आचार है, इसको कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। लेकिन जब जीव आत्मा बिल्कुल शुद्ध होता है, सम्यक चारित्र्य, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, त्रिरत्न के द्वारा जब जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध, चम चम, जगमग जगमग, उज्ज्वल, स्वतंत्र अणु के रूप में, न ईश्वर की पराधीनता है, न प्रकृति का संबंध है, न कर्म है, न वासना है, और बिल्कुल जगमग 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 जब बिल्कुल उज्ज्वल हो जाता है, तो वो संपूर्ण अंतकरण की वृत्तियों प्रवृत्तियों से अलग हो करके अंतकरण विश्राम करता है और वो बिल्कुल दृष्टा उज्ज्वल रूप में रहता है। उसमें भी पौराणिक कथा ये है कि वो सिद्ध शिला पर बैठ करके अलोकाकाश की नोक पर जाते हैं, तो वो जैनों की पौराणिक कथा है, वो जैनों की दार्शनिक कथा नहीं है। परंतु उस संबंध में भी वो जो जीवात्मा सबसे अलग हो जाता है, वो जिससे अलग हुआ, जिससे अलग हुआ उसका क्या हुआ, कि वो ज्यों का त्यों रहा, कलयुग भी ज्यों का त्यों रहा, प्रकृति भी ज्यों की त्यों रही, स्त्री पुरुष भी ज्यों के त्यों रहे, सृष्टि का जो अनादि अनंत प्रभाव ये भी ज्यों का त्यों रहा। बनाने वाला ईश्वर तो उनके यहां मान्य नहीं है, बनाने वाला ईश्वर मान्य न होने से सृष्टि के प्रवाह को ज्यों का त्यों मानते हैं, और एक आत्मा ईश्वर रहित प्रकृति से पृथक होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया। योग दर्शन में जब समाधि लग गई तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, और अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया तो धीरे धीरे प्रकृति क्षीण हो गई। वहां भी प्रकृति का बाद में क्या होगा, बोले और सब जीव बद्ध रहेंगे, प्रकृति से संसार चलता रहेगा, संसार सत्य रहेगा। जैन दर्शन भी भेद दर्शन है और योग दर्शन भी भेद दर्शन है और सांख्य दर्शन भी भेद दर्शन है। तो इसके संबंध में योग दर्शन की विशेषता यह है कि वो जीव और ईश्वर दोनों को मानता है, सांख्य दर्शन जीव और ईश्वर दोनों को नहीं मानता, वो प्रकृति और आत्मा ये दो पदार्थों का विवेक है, एक दृश्य और एक दृष्टा। जो लोग जबरदस्ती सांख्य में ईश्वर सिद्ध करने जाते हैं तो वो
सांख्य दर्शन के जो विद्वानों से जो विद्वान हैं तो उनसे कभी मिलते जुलते नहीं हैं। वो यही सोचते हैं कि भला हमारे आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन सांख्य दर्शन ईश्वर के बारे में विचार क्यों नहीं करेगा, हमारा सांख्य दर्शन भी ईश्वर के बारे में विचार नहीं करता है। नारायण, इसमें विचार में ईश्वर को ग्रहण किया जाए कि नहीं ग्रहण किया जाए ये दर्शन की भूमिका के अनुसार होता है। दर्शन की भूमिका ये है कि मैं दृष्टा हूँ और जो है तो दृश्य है, तो संपूर्ण दृश्य का दृष्टा मैं हूँ। अब ईश्वर कहाँ रहेगा, या तो ईश्वर को दृश्य को भी बता दो तो वो जड़ होगा, अधिकारी होगा, प्राकृत होगा, तो ईश्वर अपना आत्मा होगा, तीसरा तत्व सांख्य। इसलिए ईश्वराकार वृत्ति करने की जरूरत सांख्य दर्शन में नहीं होती। इसलिए उनके यहाँ ये ईश्वरासिद्धेह सांख्य दर्शन में सूत्र ही आता है। बड़ी अद्भुत दर्शन शास्त्र की जो प्रणाली है वो बड़ी अद्भुत बड़ी विचित्र है। अब प्रश्न है मुख्य रूप से अद्वैत दर्शन का, तो हम इसमें सांख्य दर्शन को जैन दर्शन की जो शुद्धि है संगत संकल संगत चारित्र संगत समाधि तरंग है और समाधि परमान तरंग है और सम्यक संकल्प जो है वो दोनों के बीच में है। बहिरंग है सम्यक चारित्र और अंतरंग है सम्यक संकल्प। इंद्रियां हम नहीं हैं, इंद्रियों के हम दृष्टा हैं, देह हम नहीं हैं, हम देह के दृष्टा हैं, हम अंतःकरण नहीं हैं, अंतःकरण के दृष्टा हैं, हम अंतःकरण की शांति नहीं है, शांति के दृष्टा है, और जो जिसका दृष्टा होता है वो उससे न्यारे होता है। इसलिए एक अंग इसने पूरा कर दिया इस विवेक में कि त्वम पदार्थ क्या है। अब ये जो योग दर्शन है, ये जो योग दर्शन है वो योग दर्शन कहता है कि केवल मन ही स्थिर करना हो, समाधि लगाना हो, तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं की ओर ही मन को मोड़े, ईश्वर की ओर मन को मोड़े तब भी समाधि लग सकती है। ये सांख्य दर्शन से विलक्षण है। वो योग दर्शन में ईश्वर को स्वीकार करके विचार करते हैं और सांख्य दर्शन में ईश्वर को अस्वीकार करके विचार करते हैं। तो यदि योग दर्शन, क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर को सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ऐसा पूर्वे नाम अति गुरु हो काले नानवच्छेदा सत्र निवती से हम सर्वज्ञ बीजम, ये सब ईश्वर का निरूपण है और ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात नियम में भी ईश्वर प्रणिधान शब्द है, क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान शब्द है, समाधि लगाने में भी ईश्वर प्रणिधान शब्द है। चार बार ईश्वर शब्द का प्रयोग योग दर्शन में आया है और अच्छे अर्थ में आया है। तो उसका यह अर्थ होता है कि मन चाहे मन के दृष्टा हो जाओ तब भी मन स्थिर होकर समाधि लग जाएगा और वृत्ति निरोध से भी समाधि लगेगी, और नहीं तो अपने मन को ईश्वर में लगा दो तो भी समाधि लगेगी। मन को चाहे अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घर परमेश्वर में चाहे लगाओ जो भी समाधि लगेगी, वो शक्तिमान तो नहीं मानते हैं, शक्तिमान शक्तिमती तो प्रकृति को मानते हैं, परंतु ईश्वर को सच्चिदानंद घन मानते हैं। देश परिच्छिन्न काल से अपरिच्छिन्न कर्म से अपक्लेश कर्म विपाका से यही अपराभृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो ईश्वर में मन लगाने से भी समाधि सिद्धि होती है। आप नारायण, वेदांति के लिए विचारणीय विषय क्या है कि दृश्य का मैं दृष्टा
तो दृश्य का कोई बीज है कि नहीं? तो दृश्य का बीज यदि तो बीज में लंबाई चौड़ाई है तो देश सहित बीज, और बीज की यदि उम्र है कि इतनी देर तक वो चुप बैठा रहे और इतनी देर तक अंकुरित हो गए, यदि बीज जो है वो कालवत है और देशवत है। कालवत ब्रह्मांड का बीज संस्कारवत है, देशवत कालवत संस्कारवत यदि इस प्रपंच का बीज है तो उस बीज का अधिष्ठान चैतन्य होना चाहिए। तो वही बीज की माया से, अब देखो बीज की माया से उपहित जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हैं, और केवल अंतःकरण की वृत्तियों का अथवा सबका दृष्टा जो स्वपदार्थ है उसको आत्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं। एक जीव होता है, एक ईश्वर होता है। विवेक करने की ये पद्धति है, इसको दूसरी तरह से भी विवेक कर सकते हैं, ऐसे भी विवेक कर सकते हैं कि जितना ये देश काल वस्तु है बीज रूप, इसका ज्ञान के साथ क्या संबंध है? हे भगवान, पाश्चात्य दार्शनिकों में से अनेक, यूरोपीय दर्शनों में दार्शनिकों में से जर्मन के और दूसरे दार्शनिकों में भी ज्ञान के साथ दृश्य पदार्थ का क्या संबंध है इस पर इतना बड़ा विवेक किया है। वो कहते हैं कि ज्ञान से दृश्य पैदा होता है कि दृश्य से ज्ञान पैदा होता है? तो जो दृश्य से ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, वो ज्ञान को इंद्रिय जन्य मानते हैं। जैसे रूमाल को हमने आंख से देखा और रूमाल है ऐसा ज्ञान हुआ, तो रूमाल देखकर रूमाल है ऐसा ज्ञान हुआ। दूसरा प्रसंग ही आया कि ज्ञान है आंख से, उसने रूमाल को देखा तब रूमाल की सिद्धि हुई। तो यदि रूमाल है मालूम पड़ती है तो रूमालावच्छिन्न आकाश भी जरूर है। यदि बाहर कोई बीज है तो बीजावच्छिन्न चेतन भी जरूर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर चेतन से दृश्य का संबंध क्या है? चेतन से जड़ पैदा हुआ तो आप देखो मार्क्स और अपने यहाँ चारबाक जी महोदय और भी दूसरे जर्मन दार्शनिक हैकले वगैरह वगैरह, ये ऐसा मानते हैं कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई, और ईश्वरवादी सब के सब मानते हैं, ईसाई मुसलमान और हिंदुओं में उपासनावादी सब के सब मानते हैं कि ईश्वर से जड़ की उत्पत्ति हुई। अब प्रश्न ये होता है कि ज्ञान चैतन्य है और जड़ जो है वो अज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसको बोलते हैं कि जड़ और ज्ञान का संबंध अभ्यास के बिना संपन्न नहीं हो सकता। उन चेतन में से जड़ कैसे पैदा हुआ? तो वैष्णव जन भी एक माया नाम की वस्तु मानते हैं। वो माया क्या है? वो ईश्वर इच्छा है, जैसे मुसलमान और जैसे ईसाई। शैव गणपति आदि भी ईश्वर इच्छा मानते हैं। तो इस इच्छा से सृष्टि हुई। बोले ईश्वर में इच्छा कहाँ से आई? बोले माया है, वो भी माया ही शब्द, माया शब्द का प्रयोग करता है। जैसे योग दर्शन में अविद्या, सांख्य दर्शन में अविवेक, आदि दर्शनों में माया, माया का मतलब ये है कि चीज तो होवे नहीं।
जाए, जादू का खेल, तो आध्यात्मिक संबंध है। अब वेदांत का मुख्य विषय ये है कि आत्मा की अद्वितीयता सिद्ध होना चाहिए। यदि किसी को समाधि लगाकर संतोष हो जाए तो वेदांत उसकी समाधि को भंग नहीं करना चाहता। यदि कोई ईश्वर के साथ तन्मय होकर के सायुज्य को प्राप्त करे तो वेदांत उसके सायुज्य को भंग करना नहीं चाहता। अपने आप एक दिन टूटेगी और वो जोड़ा हुआ सायुज्य एक न एक दिन अपने आप ईश्वर ही तोड़ देगा। इसमें ये यही विशेषता है, लगाई हुई समाधि टूटेगी, की हुई जो एकता है वो मिटेगी। तो कई लोगों ने कहा कि जीव ईश्वर प्रकृति सब एक है, हम एकत्व का चिंतन करते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा जो चिंतन किया हुआ एकत्व है तो वो भी मिट जाएगा। माने मुख्य प्रश्न ये हुआ, मुख्य बात ये हुई कि उपासना के द्वारा तन्मय जो बुद्धि है वो जितनी देर तन्मय रहे ठीक है, जब तन्मयता से उठे तब उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा जगत जीव और ईश्वर के संबंध में विचार करना चाहिए। जितनी देर समाधि लगे लगाओ, परंतु समाधि से शुद्ध की हुई शान भराई हुई सुसंस्कृत बुद्धि जब जागृत हो गए तब उस बुद्धि से तत्पदार्थ और स्वम पदार्थ का विवेक करो। धर्मानुष्ठान के द्वारा, अहंग्रह उपासना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा जब बुद्धि शुद्ध होवे तो उस शुद्ध बुद्धि से ये विचार करना चाहिए कि जैसे देह और अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य मैं हूँ, वैसे इस मकान से, धरती से और ब्रह्मांड से और कोटि कोटि ब्रह्मांड से अवच्छिन्न चैतन्य कौन है, पदार्थ और स्वयं पदार्थ इंद्रिय गम्य नहीं होता है, अनंत होता है, अपरिच्छिन्न होता है, अखंड होता है, अनंत होता है। तद विषयक संस्कार किसी के इंद्रिय में होता ही नहीं है और किसी के अंतःकरण में भी होता नहीं है, क्योंकि यदि कभी हमारी इंद्रिय ने और हमारे अंतःकरण ने उस अखंड वस्तु का साक्षात्कार किया होता तो आज वो खुद ही नहीं होता, अंतःकरण ही नहीं होता, अंतःकरण ही बाधित हो जाता, इंद्रिय ही बाधित हो जाते, तब उस अखंड वस्तु का साक्षात्कार कैसे हो। साक्षात्कार हम ऐसे बोलते हैं जैसे आंख से रूप दिखता है, ये साधन साध्य नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाण गम्य है। आंख से, नेत्र से जैसे रूमाल का साक्षात्कार होता है, इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। केवल आंख बंद करने पर परमात्मा दिखे और खुल जाने पर भाग जाए आंख के डर से, है ना, आंख के डर से आंख बंद करने पर तो परमात्मा दिखे और आंख खुलने पर नजर लग जाने के डर से यदि परमात्मा भाग जाए तो वो कमजोर परमात्मा होगा। वो तो बड़ा ठीक होता है, अब वो खुली आंख के सामने भी रहता है और वो बंद आंख के सामने भी रहता है। इसी प्रकार समाधि में तो परमात्मा रहे और जब समाधि टूट जाए, वृत्ति का उदय हो तो संसार आ जाए सामने, तो तुमने समाधि में एक अधूरे परमात्मा का दर्शन किया, वो परमात्मा का दर्शन पूरा नहीं है। और चित्त की एक अवस्था तन्मयता में जाने पर जो दर्शन हुआ, तो कहने का अभिप्राय ये है कि भले धर्मानुष्ठान करके अंतःकरण शुद्धि करो, चाहे प्रतीकोपासना करके अंतःकरण शुद्धि करो, चाहे अहंग्रह उपासना करके अंतःकरण की शुद्धि करो, और चाहे सम्यक संकल्प, वो सम्यक संकल्प में उपासना का सन्निवेश है, हो सम्यक संकल्प उपासना है, और चाहे सम्यक समाधि लगा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, शुद्ध अंतःकरण में पदार्थावगाहिनी वृत्ति का उदय होना आवश्यक है। अब देखना यह है कि उस शुद्ध वृत्ति में जो पदार्थ आया
वो खंड है कि अखंड है। यदि केवल मैं रूप है तो भी खंड है, यदि केवल वह रूप है तो भी खंड है, यदि केवल यह रूप है तो भी खंड है। तो इसमें वेदांतियों का निश्चय ही ये है कि यदि वह देखेगा प्रपंच को तो मैं रहूंगा, वह देखेगा और मैं रहूंगा। क्यों बोले वह का वह पना ही मैं से सिद्ध होता है, अगर मैं नहीं हूं तो वह कौन होगा? मैं नारायण। अच्छा, और मैं देखूंगा तो यह की सत्ता सिद्ध होगी, या कल्पना करूंगा तो वह की सत्ता सिद्ध होगी? नारायण। तो कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं का मैं बना और वह का वह बना दोनों कट जाए। तो यही बात महावाक्य के द्वारा समझाई जाती है कि मैं में से वाच्यार्थ को अलग करो और तत् में से भी वाच्यार्थ को अलग करो। जो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, संसारित्व है, परिच्छिन्नत्व है, वो मैं में से हटाओ, बाद करो, इसका अपवाद करो, और उसमें से जो जगत कर्तृत्व है, जगत कारणत्व है, जगत भोक्तृत्व है, उसमें जो अन्यत्व है, उसमें जो अन्यत्व है, दृश्यत्व है, कल्पितत्व है, लक्ष्यत्व है, उसका भी अपवाद करो। ये इसको अध्यारोप अपवाद की शैली कहते हैं। वेदांत साधन नहीं है, वेदांत प्रमाण है। ये कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कोई कर्म विशेष या भाव विशेष या स्थिति विशेष नहीं है, ये प्रमाण विशेष है। प्रमाण विशेष ये है कि ये अखंड विषयक प्रमाण है, ये ब्रह्म विषयक प्रमाण है। तब ये सवाल पैदा हुआ कि इस प्रमाण के द्वारा वस्तु का साक्षात्कार, मान लो आत्मा में से कर्तृत्व भोक्तृत्वादी की उपाधि हटा दी और परमात्मा में से भी कर्तृत्व भोक्तृत्वादी की उपाधि हटा दी, वहाँ कारण उपाधि नहीं रही, यहाँ कार्योपाधि नहीं रही, वहाँ मायोपाधि नहीं रही, यहाँ अविद्योपाधि नहीं रही, और वहाँ कारणोपाधि नहीं रही, यहाँ कर्णोपाधि नहीं रही, तब जो आत्मा और परमात्मा की अखंडता का ज्ञान है, इसमें दोनों तो एक हो गए, परंतु संसार का क्या हुआ? बोले संसार का ये हुआ कि इन दोनों के एक होते ही जब तक वो दूर बैठा है तब तक बीच में संसार है, और जब तक मैं उससे अलग बैठा हूँ, है ना, जब दो मित्रों में लड़ाई हो जाती है तो बीच में दुश्मन आकर के दोनों को फोड़ने लगते हैं, एक की निंदा उससे और दूसरे की निंदा उससे, और जब दोनों मित्रों में मैत्री हो जाती है तो बीच के जो दुश्मन है वो अपने आप भाग जाते हैं। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा की अखंडता का, एकता का बोध हुआ, वहाँ ये प्रपंच का अस्तित्व भस्म हो जाता है। प्रपंच को अपने में मिलाने के लिए न तो अपने में मिलाने के लिए न धर्म करना पड़ता है, और न प्रपंच को ईश्वर में मिलाने के लिए उपासना करनी पड़ती है, और न तो प्रपंच का आभान करने के लिए समाधि लगानी पड़ती है। तो मुख्य बात ये हुई कि तत् पद वाच्यार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ का विवेक करके, और असी इस क्रियापद के द्वारा जो बोधित एकता है उसके ज्ञान के लिए दोनों की लक्ष्यार्थ में एकता करनी चाहिए, और दोनों की लक्ष्यार्थ में एकता का बोध हो जाने से वाच्यार्थ जो है वो बाधित हो जाता है, वाच्यार्थ बाधित हो जाता है। और एक बात आपको ये सुना देते हैं कि जीवन मुक्ति को केवल वेदांतों में भी समझो, उपासना के वेदांत जुदा और ज्ञान के वेदांत जुदा। जीवन मुक्ति जिसको, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जिसको कहा जाता है, जिसके हो जाने पर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, न समाधि लगाना, समाधि लगे चाहे पागल होए, और चाहे ईश्वर का चिंतन होए, चाहे मुंह में पत्थर होए,
वो ईश्वर का इतना आपा हो जाता है, वो चांडाल के घर में रहे कि तीर्थ के में रहे। तीर्थे स्वपच गृहोगा नष्ट स्मृति रति परिजन गे, वो भले भूल जाए। तीर्थ में रहे स्वपच के घर में रहे भले भूल जाए। ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम जाति हत शोक, ज्ञान समकाल ही उसकी मुक्ति हो जाती है, सारे शोक निवृत्त हो जाते हैं, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात क्या है, माने योग के बाद हमको समाधि लगने के बाद भी क्या करना चाहिए, है ना? भगवान में तन्मयता हो जाने के बाद भी क्या करना चाहिए, धर्मानुष्ठान के द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति हो लेने पर भी और बारंबार उसका भोग प्राप्त हो जाने पर भी हमको क्या करना चाहिए? आंग्र उपासना करके अहम महेश्वर का अनुभव हो जाने पर भी हमको क्या करना चाहिए, हैं? और अयम परमेश्वर ऐसा अनुभव हो जाने पर भी हमको क्या करना चाहिए? तो हमको ये करना चाहिए कि जिससे द्वैत का खड़हर भी न बचे, प्रकृति और प्राकृत किंचित भी न बचे, माया और माइक का बाध हो जाए, ये देह अंतकरणादि भी अन्य रूप से न रहे, क्योंकि अभ्यस्त अधिष्ठान से बिल्कुल विलक्षण नहीं होता है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भी अपने स्वरूप भूत ब्रह्म से और ब्रह्म भूत स्वरूप से जुदा नहीं है। इस बोध के कारण संपूर्ण कर्तव्य ध्वस्त हो जाते हैं, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहता, फिर कुछ छोड़ने के लिए अन्य नहीं रहता, त्यक्तव्य शेष नहीं रहता और ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, न कुछ जानना बाकी है, न कुछ छोड़ना बाकी है, न कुछ करना बाकी है, न कुछ पाना बाकी है, न कुछ दूसरा बाकी है, और फिर भी व्यवहार जो है वो ज्यों का त्यों। इसमें ये नहीं कि मनुष्य मर गया, मनुष्य मरा नहीं, अंतःकरण ज्यों का त्यों, ये नहीं कि ये हिमालय में रहते हैं, ये हिमालय में नहीं रहते हैं, ये बस्ती में रहते हैं। और नारायण इनको दुनिया नहीं दिखती, ऐसा नहीं, कहीं इनको दुनिया दिखती है, ये तो उपासक लोगों ने ये भ्रम फैलाया दुनिया में। तो बोले तत्वज्ञानी कैसा हो, तो बोले भाई पहले तो तत्वज्ञानी कोई होता ही नहीं, एक बात तो होता भी है तो उसकी आंख नहीं खुलती है, मन उठता ही नहीं है ना नारायण। तो फिर बोले अच्छा हिमालय में रहता है, गांव में आता ही नहीं है ना, मन तुमको कभी मिलेगा ही नहीं है ना, तुमको कभी मिलेगा ही नहीं। और नारायण यदि वो कभी तुमको मिल जाए तो ये परीक्षा करना कि उसकी सांस चलती है कि नहीं चलती है, अगर न चलती हो सांस तब समझना कि ब्रह्म ज्ञानी है, जिससे उससे बात न करो, उससे शिक्षा न ले सको। तो ये ब्रह्म ज्ञानी के संबंध में लोगों ने ऐसा फैलाया कि जैसे अल्प जो मंद जिज्ञासु हैं, मंद जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञानी की प्राप्ति ही न हो सके, ऐसा ब्योड़ा बीच में डाल दिया नारायण। तो ब्रह्म एक बोध है, एक वस्तु का साक्षात्कार है और वो एक वास्तविक अवस्था है, वो साधन से उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली कोई अवस्था नहीं है, वो तो जैसे घटक ज्ञान है वैसे ब्रह्म ज्ञान है। घटक ज्ञान होने पर, जैसे घट को मृत्तिका मात्र समझ लेने पर, जैसे घट का आकार बना भी हुआ भी है और आप उसको मिट्टी समझते भी हैं, इसी प्रकार ब्रह्म को समझ लेने के बाद ये प्रपंच जो है ये ब्रह्म रूप से समझ भी लिया गया और प्रपंच का आकार बना भी रहा। और इसमें और क्या होता है, जो धर्मात्मा है वो धर्मानुष्ठान करते हैं, जो उपासक हैं वो उपासना करते हैं, जो योगी हैं वो समाधि लगाते हैं, जो जो अर्थी हैं वो अर्थ कमाते हैं, जो भोगी हैं वो भोग में रत रहते हैं, और जो मुमुक्षु हैं जिज्ञासु हैं वो सत्संग करते हैं। कृष्णो भोगी सुख त्यागी
नृपौ जनक राघवौ कर्म निष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वे से ज्ञानिन समाह। कृष्ण जो है वो 16,000 मान में पत्नियों के साथ रहते हैं, सुखदेव जी त्याग करके जंगल में रहते हैं, और रामचंद्र और राजा जनक अश्वपति ये राज्य चलाते हैं और वशिष्ठादि पौरोहित्य का काम करते हैं। कहो कि इनके ज्ञान में कोई अंतर है, इनमें कोई ऊंचा नीचा है, कि इनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। इसलिए ज्ञान से डरना नहीं, ज्ञान से डरना नहीं, वो तुमको यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। ये जरूर है कि जैसे सुषुप्ति दशा में वृत्ति ज्ञान न होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, भगवन मयता में बिल्कुल सायुज्य हो जाने के कारण और परमानंद की अनुभूति होने के कारण, वो जो भगवनमय परमानंद की अनुभूति है वो जिज्ञासा को दबा देती है, वो जिज्ञासा को दबा देती है। यदि भगवत सायुज्य की प्राप्ति हो जाए तो जिज्ञासा दब जाएगी, और यदि समाधि की प्राप्ति हो जाए तो है ना, वहाँ वृत्ति अभिभूत हो जाने के कारण जिज्ञासा दब जाएगी, और यदि धर्मानुष्ठान से स्वर्गादि में चले गए तो बोले स्वर्गादि में देवता लोग तो अप्सरा का नाच देखेंगे, संगीत सुनेंगे, तो वहाँ जिज्ञासा कहाँ से होगी। जहाँ थोड़ा थोड़ा दुख होता है और दुख होने से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता है, और वैराग्य होने से सत्य वस्तु को जानने की इच्छा उदय होती है, और वो भी यदि मंद न हो। मंद कैसी होती है? कब मंद होती है ऐसी कि हम किस देवता की पूजा करें तो हमको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के लिए देवता की पूजा की इच्छा जो है वो मंद जिज्ञासा का लक्षण है। और हम कौन सा योगाभ्यास करें, हम कौन सा योगाभ्यास करें तो इस जन्म में नहीं अगले 2-3 जन्म में हमको ज्ञान हो जाएगा, ये मध्यम जिज्ञासा का रूप है। और उत्तम जिज्ञासु जो होता है वो उपनिषद का स्वाध्याय करके, तत्पदार्थ और स्वम पदार्थ का विवेक करके, उसमें से उपाधि का परित्याग करके, अपवाद करके, उपहित अंश में, अवच्छिन्न अंश में जो एक अखंड चैतन्य है उसको अपने आत्मा से अभिन्न जान करके संपूर्ण द्वैत प्रपंच का बात कर देता है और ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। ओम शांति शांति शांति।